गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों अगर आप अपनी डेली लाइफ शेड्यूल से बोर हो चुके हैं और अगर आप किसी शांत खूबसूरत से हिल स्टेशन पे जाके कुछ टाइम के लिए वहाँ ब्रेक लेना चाहते हैं तो धर्मशाला बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। जी हाँ दोस्तों, कांगड़ा घाटी की ऊपरी पहाड़ी इलाकों पर स्थित धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है और ये हिल स्टेशन तिब्बती नेता दलाई लामा के निवास के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ का शांत और आध्यात्मिक वातावरण दुनिया के सभी हिस्सों के यात्रियों को लुभाता है। तो दोस्तों अगर आप धर्मशाला और मैक्लोडगंज की ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जैसे कि आपको धर्मशाला कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकना है, खाने की क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, कहाँ कहाँ घूमना है, शॉपिंग कहाँ करनी है, कितने दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए और इस सब में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और इस सब के बाद अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको धर्मशाला पहुंचना कैसे है। तो दोस्तों आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी माध्यम का चुनाव करके धर्मशाला तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा गगल का हवाई अड्डा है, जो कि धर्मशाला से लगभग 13 किलोमीटर दूर गगल में स्थित है। और दोस्तों ये हवाई अड्डा धर्मशाला को एयर इंडिया और स्पाइस जेट की उड़ानों की मदद से दिल्ली से जोड़ता है। और अगर आप भारत के अन्य किसी हिस्से से आ रहे हैं तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप चंडीगढ़ तक की फ्लाइट ले लीजिए और चंडीगढ़ पहुँचने के बाद आप धर्मशाला तक के लिए कोई टैक्सी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बस से भी जा सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ से धर्मशाला 275 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि वैसे तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन कांगड़ा मंदिर है, जो कि धर्मशाला से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये एक बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें नहीं रुकती हैं। तो इस केस में आप यहाँ के दूसरे प्रमुख निकटतम रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, जो कि पठानकोट है। और पठानकोट से धर्मशाला तक की दूरी 85 किलोमीटर है, तो आप पठानकोट से टैक्सी या बस लेकर धर्मशाला तक पहुँच सकते हैं। और दोस्तों अगर आप बस से धर्मशाला आ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि राज्य संचालित बसों के साथ साथ निजी बस ऑपरेटर नेटवर्क के माध्यम से भी धर्मशाला दिल्ली और उत्तर भारत के कई शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और दिल्ली से धर्मशाला लगभग 520 किलोमीटर की दूरी पर है और आप यहां अपनी स्क्रीन पे कुछ दिल्ली से धर्मशाला तक की बसों का किराया भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों धर्मशाला पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो दोस्तों धर्मशाला में आपको बहुत सारे होटल्स और होम स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की तो 800-900 से स्टार्टिंग करके आपको यहाँ 1500 तक के होटल्स आराम से मिल जाएंगे। आप अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार अपने होटल का चयन कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें अगर हम यहाँ खाने की तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और कैफेज मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको तिब्बतियन फूड के साथ साथ नॉर्थ इंडियन फूड भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप धर्मशाला में हैं तो आपको यहाँ के मोमोज, थुक्पा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तिब्बतियन फूड्स का मजा भी जरूर चखना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ बहुत सारे कैफेज में पैनकेक्स, ऑमलेट, सैंडविच, पहाड़ों वाली मैगी, चाइनीज समोसा, सूप और नूडल्स के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आपको धर्मशाला में घूमना कैसे है। तो दोस्तों यहाँ घूमने का जो सबसे अच्छे विकल्प होने वाले हैं वो है स्कूटी या बाइक के माध्यम से, और इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे स्कूटी और बाइक रेंटल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और दोस्तों आपके लिए यहाँ मैं कुछ स्कूटी और बाइक रेंटल्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो उन्हें भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें अगर हम कॉस्ट की तो 600 से 1000 के बीच आपको स्कूटी या बाइक आराम से मिल जाएंगी यहाँ पे, लेकिन उसके लिए आपके पास आपका आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अब जान लेते हैं कि आपको यहाँ घूमना कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ जा सकते हैं ज्वाला देवी मंदिर, जहाँ के बारे में ऐसी मान्यता है कि देवी सती की जीभ यहाँ पे गिरी थी और ऐसा भी माना जाता है कि कभी पांचों पांडव यहाँ इस पवित्र स्थान पर आए थे। तो आप यहाँ जाके ज्वाला देवी के दर्शन कीजिए, आपको काफी अच्छा लगेगा। और इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, जो कि समुद्र तल से 1457 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और आपको बता दें कि ये क्रिकेट मैदान दुनिया के सबसे ऊंचे खेल मैदानों में से एक है। और दोस्तों इसके बाद आप जा सकते हैं वॉर मेमोरियल, जो कि धर्मशाला में देखने लायक एक खास जगह है। और ये स्मारक शहर के पास देवदार के जंगलों में स्थित है और यहाँ एक सुंदर जीपीजी कॉलेज है, जिसका निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था। और इसके बाद दोस्तों आप धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूर विजिट कर सकते हैं डल झील, जो कि पहाड़ियों के पास देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। और ये स्थान ट्रैकिंग और भ्रमण के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके अलावा आप यहाँ झील के किनारे वॉक भी कर सकते हैं और इसके अलावा झील में बोटिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे झील के किनारे एक छोटा शिव मंदिर भी है, जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं और यहाँ हर साल एक शानदार मेला लगता है। और दोस्तों ये सारी प्लेसेस कवर करने के बाद आप धर्मशाला से 5 किलोमीटर दूर मैक्लोडगंज चले जाइए, वहाँ पे भी आपको काफी सारी प्लेसेस घूमने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ विजिट कर सकते हैं नामग्याल मॉनेस्ट्री, जो कि सुकलखांग परिसर के पास स्थित है। और ये परिसर दलाई लामा का निवास स्थान होने के साथ साथ यहाँ पर आपको काफी सारे मंदिर, किताबों की दुकानें और कई सारी दूसरी दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी। और बात करें अगर हम इसके टाइमिंग की तो सोमवार से रविवार सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक ये मॉनेस्ट्री खुली रहती है और इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। और इसके बाद दोस्तों आप विजिट कर सकते
सकते हैं यहाँ दलाई लामा मंदिर, जिसे सुगलखांग मंदिर भी कहा जाता है। और दोस्तों ये स्थान अपने शांतिपूर्ण वातावरण के लिए दुनिया भर में पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। और आपको यहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण में प्रेयर व्हील्स और घंटियों की आवाज़ें भी साफ सुनाई दे जाएंगी। और बात करें कि इसके टाइमिंग की, तो सोमवार से रविवार तक सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। और इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं सेंट जॉर्ज चर्च, जिसकी स्थापना सन 1852 में हुई थी। इस चर्च के पास एक वॉइसरॉय लॉर्ड एल्गिन जेम्स क्रूज का स्मारक भी बना हुआ है। और दोस्तों चर्च में विंडो ग्लास पेंटिंग लगाई गई है, जिसे इटालियन आर्टिस्ट ने बनाया था। और दोस्तों ये चर्च मैक्लॉडगंज से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके बाद दोस्तों आप मैक्लॉडगंज बाजार से 2 किलोमीटर दूर जा सकते हैं भक्सू गांव, जहां पे आप विजिट कर सकते हैं भक्सू नाग मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और दोस्तों इस मंदिर का निर्माण गोरखा रेजिमेंट द्वारा करवाया गया था। ये बेहद ही पुराना मंदिर है, जिसके पास एक झरना भी है, और ये वाटरफॉल टूरिस्ट के बीच खासा प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये झरना भक्सू मंदिर के बिल्कुल निकट ही है, और इसे भक्सू नाग वाटरफॉल भी कहा जाता है। झरने से आने वाला पानी एक बनाए गए साफ सुथरे पुल में इकट्ठा होता है, जिसमें लोग स्विमिंग का मजा लेते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ आसपास बने हुए कुछ कैफेज स्नैक्स और मैगी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सनसेट देखने के शौकीन हैं, तो आपको नदी जरूर जाना चाहिए। ये गांव मैक्लॉडगंज कांगड़ा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये पूरी जगह धौलाधार पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो अगर आप बर्फ से घिरी हुई पहाड़ियों के बीच सनसेट देखना चाहते हैं, तो नदी से बेस्ट प्लेस और कोई नहीं है। और दोस्तों अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो यहाँ पे आपको 2 ट्रैकिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, पहला त्रिउंड हिल और दूसरा मिनकिनी पास। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका त्रिउंड हिल का ट्रैकिंग का रास्ता है, वो ज्यादा कठिनाई वाला नहीं है, जिसे टूरिस्ट आराम से 5 से 6 घंटे में खत्म कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ एडवेंचर लवर्स पैराग्लाइडिंग का भी भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। तो अगर आप त्रिउंड हिल में ट्रैकिंग का मजा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले आपको गोलू मंदिर पहुंचना होगा, क्योंकि इस ट्रैक की शुरुआत वहीं से होती है। और दोस्तों जो हमारा दूसरा ट्रैकिंग पॉइंट है मिनकिनी पास, यहाँ पे आप ट्रैकिंग के जरिए धौलाधार पहाड़ियों से घिरे हुए मैक्लॉडगंज को बखूबी निहार सकते हैं। ये एक बेहद ही खूबसूरत और मनोहर स्थल है। हालांकि ये ट्रैकिंग थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन यहाँ के नज़ारे उतने ही मनोरम हैं। चलिए दोस्तों घूमने के बाद अब बारी आती है शॉपिंग की, जो कि सभी को पसंद है। तो दोस्तों मैक्लॉडगंज में आप चाय से लेकर कपड़े, कारपेट आदि सभी चीज़ें खरीद सकते हैं। साथ ही यहाँ के तिब्बती आर्टिफैक्ट्स भी आप खरीद सकते हैं। और हाँ, मैक्लॉडगंज की स्ट्रीट मार्केट में शॉपिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ आपको ढेरों वैरायटीज के काफी वाजिब दामों में चीज़ें मिल सकती हैं। चलिए दोस्तों अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल, कि आपको यहाँ के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। तो दोस्तों 3 से 4 दिन आपके धर्मशाला और मैक्लॉडगंज को कवर करने के लिए पर्याप्त रहेंगे। और यहाँ विजिट करने का सबसे अच्छा समय वसंत और शुरुआती गर्मियों का होता है, लेकिन अगर आप यहाँ स्नोफॉल का मजा लेना चाहते हैं, तो आपको नवंबर दिसंबर के टाइम पे अपनी ट्रिप प्लान करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन यहाँ पे आपको ये रहेगा कि आप बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल के टाइम पे अपनी ट्रिप मत प्लान कीजिएगा, क्योंकि स्नोफॉल के कारण रोड्स काफी स्लिपरी हो जाती हैं और विजिबिलिटी भी काफी लो रहती है, जिसकी वजह से यहाँ रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और दोस्तों बात करें अगर हम बजट की, तो धर्मशाला घूमने में आपको ऑन एन एवरेज 2 से 2500 रुपए प्रति व्यक्ति तक का एक दिन का खर्चा आ जाएगा। और दोस्तों इस बजट में मैंने आपके फ्लाइट, ट्रेन या बस की टिकट का किराया और आपकी शॉपिंग का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। इसमें मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और आपके बाइक रेंट का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है ना। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट करके या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। और जल्दी ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। Till then, stay happy, stay fit and keep traveling.